अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग लापता हैं। देवभूमि उत्तराखंड जितनी खूबसूरत है उतनी ही रिस्की भी। आए दिन यहां बादल फटने की घटना सामने आती रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बादल फटना होता क्या है? ये बादल जून जुलाई और अगस्त वाले महीने में ही क्यों फटते हैं? ये बादल उत्तराखंड हिमाचल और कश्मीर में ही क्यों फटते हैं? आपके बिहार में क्यों नहीं, आपके यूपी और एमपी में क्यों नहीं? ये सब समझाएंगे आपको बिल्कुल आसान भाषा में। अक्सर ये हादसा मानसून के समय होता है और ये मानसून जून जुलाई में ही आता है। और जून जुलाई में ही मानसून क्यों आता है? होता क्या है कि समय सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जिससे जब सूर्य ऊपर होता है तो गर्मी बढ़ती है और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में पहुंच जाता है और फिर बनते हैं काले बादल। और बादल में जब पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है तो बादल फट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गुब्बारा है और गुब्बारा में जब आप ज्यादा पानी भर देंगे तो वो फट जाएगा, ठीक ऐसा ही होता है जब बादल फटता है। अब सवाल यह है कि बादल उत्तराखंड हिमाचल और कश्मीर जैसे इलाकों में ही ज्यादा क्यों फटते हैं? दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल पहाड़ी इलाका है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने ऊंचे पहाड़ कि आपने देखा होगा कि कई बार पहाड़ पर चढ़ते समय लोग बादलों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इलाकों में बादलों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। पहाड़ों से टकराकर बादल एक जगह जमा हो जाते हैं और जब ये बादल एक जगह जमा हो जाते हैं तब पानी का घनत्व बढ़ जाता है और फिर शुरू होती है मूसलाधार बारिश, जिसे हम बादल का फटना कहते हैं। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का मतलब आप समझते ही होंगे। पहाड़ों से पत्थर गिरने लगते हैं, पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगते हैं, मलबे की चपेट में आने से बड़े मकान गिर जाते हैं और कई लोगों की जान जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।